दोस्तों तुहाडा एन टी वी इंडिया चैनल में स्वागत है। अज आप गल करते हैं तवे उपर रोटी सेकना या फिर गैस उपर सेकना, इस नाल अपने शरीर में की फायदे होंगे। अक्सर देखने में आता है कि रोजाना जिंदगी में औरतें जो फुलका अद्धा पक जाता है तो तवे से चक के सिलेंडर चुल्हे से चिमटे न फैला लग जाती हैं। किसी जहर तो घट नहीं है, सिलेंडर नूं हिला के वेख लवो, उस विच पानी वांग आवाज़ आउंदी है, भाव कि एल पी जी एक तेल है। विज्ञानिक अनुसार जदों कोई भी वस्तु नूं जदों जलाया जांदा है तो पूर्ण रूप में 100% नहीं बलदी। जिहड़ी एल पी जी गैस है वह बच जाती है तो एक तेल के रूप वांग हुंदी है। तो यह जिहड़ी जदों आपां गैस से रोटी सेकन लगदे तो उस नाल रोटी नाल चिपक जाती है, जिहड़ी कि मनुखी शरीर में जाती है तो जिहड़ी मनुखी शरीर की घातक है। इसलिए दोस्तों सानूं रोटी तवे ते ही सेक के खानी चाहिए है, इस नूं गैस उपर सेकना गैस उपर रोटी सेकन नाल अपने शरीर में जिहड़ी गैस दे गंदे कीटाणु हन उह अपने अंदर जांदे ते कई बीमारियों नूं शुरुआत होंगी है अपने अंदर। जेकर आप तवे उपर रोटी सेकेंगे तो जोड़ा इस गैस की एल पी जी गैस है वह रोटी उपर नहीं लगेगी तो आप स्वस्थ रोटी वधिया रोटी ही खावे तो इस नाल बीमारियों तो आप बच सकते हैं। सानू रोज़ाना की रोटी में सानू तवे उपर सेक ही खानी चाहिए है ताकि जो सा शरीर है वह स्वस्थ रहे, सानू कोई भी बीमारी ना लगे। थैंक यू।